क्या बीजेपी ने वसुंधरा राजे के अधिकारियों में कटौती कर दी है? क्या बीजेपी आला कमान के आगे झुक जाएंगी वसुंधरा राजे? इस साल के आखिरी में हिंदी पट्टी के जिन तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान प्रमुख हैं। वैसे तो इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को राहें आसान नहीं लग रही हैं, लेकिन राजस्थान में पार्टी की मुश्किलें कुछ खास बढ़ते दिखाई दे रही हैं। शायद यही वजह है कि चुनाव की कमान खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेनी पड़ी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खास प्लान तैयार किया है। खबर तो ये भी है कि राजस्थान में सब कुछ कंट्रोल करने के इरादे से इस बार पार्टी आला कमान टिकट बंटवारे को लेकर सीएम वसुंधरा राजे के अधिकार भी सीमित कर सकती है। सूत्रों की माने तो चुनाव तो एक साथ पांच राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन अमित शाह सबसे ज्यादा वक्त राजस्थान में ही बिताएंगे। इसके पीछे तर्क है कि शाह की कमान संभालने से बीजेपी प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। इसके अलावा पार्टी के बिखराव का खतरा भी खासा कम होगा और इसके लिए पार्टी आलाकमान राजस्थान को सीएम राजे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। खबरों की माने तो इस बार 200 विधानसभा सीटों में से 150 पर उम्मीदवारों का चयन पार्टी आलाकमान के दखल से होगा, जबकि सीएम खेमे के लिए करीब 55 सीटें रखी जाएंगी। यानी महज इतनी सीटों पर ही वसुंधरा के पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी आलाकमान के लिए ऐसा करना आसान भी नहीं है, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन पर वसुंधरा राजे पार्टी के सामने झुक जाएंगी इसकी उम्मीद बेहद कम है। कम से कम प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजे के रुख से तो ऐसा ही लगता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान में पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने में कहां तक कामयाब होते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।